हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी कंटिन्यू रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। नाउ इट्स टाइम टू रीड वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको ही सॉल्व करना है खुद से अपनी कॉपी में, बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, क्लास थर्ड वॉज टू कलेक्ट ₹6,000 फॉर द एनुअल कार्निवल। एनुअल कार्निवल था स्कूल में, तो क्लास थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कितने रुपए कलेक्ट करने थे? ₹6,000 कलेक्ट करने थे। द स्टूडेंट्स कलेक्टेड ₹3,257 और स्टूडेंट्स ने कलेक्ट कितने किए पैसे? ₹3,257 उन्होंने कलेक्ट कर पाए। हाउ मच मोर मनी डू दे नीड टू कलेक्ट। अब और उन्हें कितना पैसा कलेक्ट करना होगा, कितना पैसा और चाहिएगा? देखिए, टोटल कितना करना था उनको? 6,000 करना था। ओके, और उन्होंने किया कितना है? 3,257। और अब कितना चाहिएगा उन्हें, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल है उसमें से अभी तक जितना किया है उसको हटा देंगे, तो जो बचा हुआ है अभी उन्हें और जो कलेक्ट करना है वो निकल आएगा। ओके, सो अब गिवन में क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, कि टोटल कलेक्शन क्लास थर्ड वॉज टू कलेक्ट फॉर एनुअल कार्निवल इज इक्वल्स टू ₹6,000। ओके, और सेकेंड लाइन में लिखेंगे स्टूडेंट्स कलेक्ट ₹3,257 और इन दोनों को माइनस करेंगे। फिर उसके बाद आंसर में क्या लिखेंगे, मोर मनी डू दे नीड टू कलेक्ट इज इक्वल्स टू, जितना भी माइनस करने पे आंसर आएगा उतने रुपीज वहां लिखेंगे आंसर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4,000 बॉक्सेस वर लोडेड इन अ ट्रक। एक ट्रक है, उसमें 4,000 बॉक्स को लोड किया गया है, रखा गया। 1,725 बॉक्सेस वर डिलीवर्ड इन अ वन शॉप। एक शॉप पर डिलीवर किए, मतलब पहुंचाए, कितने बॉक्स पहुंचाए उसमें ट्रक में से? 1,725 बॉक्सेस एक शॉप में पहुंचा दिए एंड 2,135 बॉक्सेस इन अनदर शॉप, और दूसरी शॉप में 2,135 बॉक्स पहुंचा दिए या डिलीवर किए। हाउ मेनी बॉक्सेस वर लेफ्ट इन द ट्रक। अब ट्रक में कितने बॉक्सेस बचे हैं ये आपको बताना है। एक शॉप पर इतना किया और दूसरी शॉप पर इतने इतने बॉक्सेस चले गए हैं और इतने हैं टोटल, अब कितने बचे हैं? तो हम क्या करेंगे, दोनों शॉप पर जितने किए हैं उन दोनों को ऐड करेंगे पहले, ठीक है? फिर इनको ऐड करने के बाद इस 4,000 में से उनको माइनस कर देंगे, तो जो बचे हुए हैं वो बॉक्सेस निकल आएंगे। कैसे लिखेंगे, टोटल बॉक्सेस इन अ ट्रक 4,000, 1,725 बॉक्स वर डिलीवर्ड इन वन शॉप, और लिखेंगे 2,135 बॉक्स इज डिलीवर इन अनदर शॉप। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ ऐड करेंगे 1,725 और 2,135 को, एंड देन क्या लिखेंगे, बॉक्सेस वर लेफ्ट इन द ट्रक इज इक्वल्स टू 4,000 माइनस इनके जो प्लस करने पर आंसर आएगा वो, और जो एंड में माइनस करने पर आंसर आएगा उतने बॉक्सेस बचे हैं ट्रक में। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, सौरभ है ₹3,000। सौरभ के पास कितने रुपए थे? ₹3,000। ही गैव ₹1,260 टू हिज सिस्टर। अब उसने अपनी बहन को कितने पैसे दिए? ₹1,260 दे दिए एंड डिनोट किए, ₹560 ऐसे ही डिनोट कर दिए उसने। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा बचा है, क्या करेंगे हम? देखिए, जो जितना उसने खर्च कर दिया, एक तो अपनी बहन को दिया है और जो डिनोट किया, इन दोनों को ऐड कर देंगे पहले। एडिशन करने पर जो आंसर आएगा उसमें से 3,000 उसको 3,000 में से माइनस कर देंगे, तो बचा उसके पास जो पैसा है वो निकल आएगा। अब हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सौरभ हैड इज इक्वल्स टू ₹3,000, ही गैव टू हिज सिस्टर इज इक्वल्स टू 1,260 रुपीज़, और एंड ही डिनोट ₹560। नाउ क्या करेंगे, अब 1,260 प्लस 560 निकला, अब इनका जो आंसर आया उसको 3,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मनी लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल्स टू 3,000 माइनस इनका एडिशन का आंसर, बस उसके बाद जो वैल्यू आएगी उतना ही पैसा सौरभ के पास बचेगा। नाउ स्टूडेंट, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इन योर मैथ्स होमवर्क कॉपी और रफ कॉपी। Thank you. Have a good day.